Hey everyone, welcome back to my channel. Be among our lovers and children. वीडियो को स्टार्ट करते लास्ट चैप्टर में हमने ये देखा था कि हमारे जो इनो था उसे गुस्सा आया था और उसने अपने रिस्ट को ही कट कर लिया था क्योंकि हमारा जो कीट था उसके साथ ज़बरदस्ती किस करने की एंड उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था एंड वहीं पर उसकी हालत ख़राब हो जाती है और बेहोश भी हो जाता है, जिसके बाद हमारा जो कीट था वो इनो को हॉस्पिटल लेकर आता है। और उसके बाद जब इनो को होश आता है, हमारा कीट गुस्से में कहता है कि ऐसा फिर से मत करना। तब इनो कहता है कि मिस्टर पिटमैन, अगर आपने ऐसा किया ना तो मैं भी दोबारा यही काम करूँगा। एंड फिर बाद में हमारे इनो को पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। जब ये बात हमारे कीट को पता चली थी तो वो भी गुस्से में आ गया था और वो कहता है कि ये किसका बेबी है। तभी हमारा इनो कहता है कि ये किसी का भी हो लेकिन ये तुम्हारा नहीं है। तभी हमारा जो कीट होता है गुस्से में कहता है कि क्यों नहीं हो सकता, ये मेरा ही बेबी हो सकता है क्योंकि मेरे साथ तुम सो रहे थे। अफकोर्स मैं तुम्हारे साथ सो रहा था तो ये बेबी भी मेरा ही होगा। और वो मानने को तैयार नहीं था कि ये बेबी किसी और का हो सकता है क्योंकि उसे पूरा भरोसा था इनवो पर कि इनवो उसके जैसा तो बिल्कुल नहीं है, जो हर एक ओमेगा के साथ सेक्स करता है एंड हर हफ्ते एंड दूसरे दिन वो चेंज कर देता है, ऐसा इनवो तो नहीं है। सो वो दूसरे अल्फा के साथ सोया नहीं होगा तो इन द लास्ट ये उसी का बेबी होगा। लेकिन हमारा जो इनो होता है वो भी इतना ज़्यादा स्मार्ट था, वो पूरी तरीके से यकीन दिलाने की कोशिश करता कि ये बेबी हमारी कीट का नहीं है, ये बेबी किसी दूसरे अल्फा का है। उन दोनों में फाइट चली रही थी तभी हमारा जो इनो होता है वो कहता है कि तुम भी मिस्टर मिलर जैसे हो। और उसके आगे वो कुछ कह पाता वो बेहोश हो जाता है, हमारा कीट उसे बुलाता ही रह जाता है। अब हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे इनो की जब नींद खुलती है तो वो जब उठकर बैठता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो कीट के मेंशन में है। लेकिन तभी वहाँ पर चार्ल्स आ जाता है और कहता है कि तुम उठ गए, अब तुम्हारी बॉडी को कैसा फील हो रहा है। तभी इनो कहता है कि मैं ठीक हूँ लेकिन मिस्टर पिटमैन का क्या। ये बात सुनते ही चार्ल्स कहता है कि ओ अच्छा, उन्हें इंपॉर्टेंट मैटर अटेंड करनी था तो वो चले गए, वो डिनर के पहले वापस नहीं आने वाले, या फिर हो सकता है वो डिनर के पहले भी वापस आ जाएं, मैं भी कुछ कह नहीं सकता। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम ठीक हो, ठीक है, तुम अच्छे से सोए ना, तुम्हारी जो स्लीप थी वो अच्छे से कंप्लीट हुई ना। तभी हमारा जो इनो होता है कहता है थैंक यू सो मच तुम्हारी कंसर्न के लिए। चार्ल्स आगे कहता है कि वो मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिस्टर पिटमैन की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारी अच्छे तरीके से देखभाल कर रहे थे, वो रात भर तुम्हारे पास ही थे। ये बात सुनते ही हमारा जो इनो होता है सोचने लगता है एक मिनट, तुम क्यों इतनी ज़्यादा वरीड थे मेरे लिए और इवन तुम मुझे डॉक्टर के पास भी ले गए मेरे बिना कुछ कहे हुए और तुम मुझे घर भी लेकर चले आए, तुम किस तरीके का इंसान हो, मैं तुम्हारा ओपिनियन ही नहीं समझ पाता कि तुम चाहते क्या हो, क्या मुझे तुमसे कुछ पूछना चाहिए। लेकिन मैं जब भी तुमसे कुछ पूछता हूँ तुम हमेशा ऐसे जवाब देते हो जो मैं सुनना नहीं चाहता। तभी हमारा इनो कहता है ठीक है मैं अब घर जाना चाहता हूँ, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, ठीक है मैं मिस्टर पिटमैन के आने का वेट करता हूँ, उसके बाद मैं वापस चला जाऊँगा। तभी चार्ल्स कहता है कि तुम दो दिन से अनकॉन्शियस थे और तुम अब उठे हो जाकर, अगर तुम्हें आज होश नहीं आता तो मिस्टर पिटमैन तुम्हें वापस हॉस्पिटल लेकर जाने वाले थे। तभी इनो कहते क्या। तभी ये बात सुनते चार्ल्स कहता है हाँ। तभी ये बात सुनते ही इनो कहता है लेकिन मिस्टर पिटमैन की कंपनी का क्या। तभी चार्ल्स कहता है कि वो दो दिनों के लिए थोड़े से बिजी थे लेकिन कोई बात नहीं, आज पार्टी है सो तुम्हें कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, बाकी लोग है सब कुछ हैंडल करने के लिए तो तुम अच्छे से रेस्ट कर लो। ये बात सुनते ही इनो को भी थोड़ी शांति मिलती कि चलो थोड़ा सा ठीक है, उसके पास अब कीट नहीं आएगा। एंड तभी कहता है ये बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं बस यहाँ से चला जाऊँगा कि मुझे ये लगता है कि सभी के लिए ये बेहतर होगा, शायद अगर मैं मर जाता तो सभी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता। और वो अपने माउथ को कवर कर लेता और सोचने लगता है क्या सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा, ये कैसे हो गया। अब सीन शिफ्ट होता जहाँ पर हमें हमारा इनो दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा कीट आया होता है। कीट उसे इस ड्रेस में देखकर सरप्राइज हो जाता है क्योंकि सच में इनो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तभी हमारा कीट कहता है कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, आओ बैठो। तभी हमारा जो इनो होता है वो एक साइड और जो कीट होता है वो दूसरी साइड बैठ जाता है। तभी हमारा कीट कहता है कि तुम्हारी बॉडी कैसा फील कर रही। तभी इनो परेशान होते हुए कहता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही, थैंक यू सो मच। और सोचने लगता है कि डैम इट, तुम मुझसे ये क्वेश्चन कब तक पूछने वाले हो जब तक मैं आंसर ना दे दूँ। तभी जो कीट होता है वो कहता है कि स्टेवर्ड ने मेंशन किया था कि तुम्हारा जो फेनोमोन है वो तुम्हारी प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकते हैं, और वो भी तब जब किसी ओमेगा ने किसी को मार्क किया हो, लेकिन कोई भी सीरियस बात नहीं है। तभी हमारा इनो कहता है लेकिन तुम मुझे ये सारी बातें क्यों बता रहे हो। और सोचने लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस से क्यों मिला, मुझे तुम्हारे फेनोमोन की कोई भी ज़रूरत नहीं है,
समझे तुम, मुझे तुम्हारे फेरोमोन की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तभी कीत आगे कहता है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, स्पेशली जब तुम प्रेग्नेंट हो। तभी इनो कहता है कि ओके, तो मुझे तुम्हारे फेरोमोन को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा मिसकैरेज हो जाए। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा मेरे पास आ रहे हो? तुम मेरे बेबी की इतनी ज़्यादा केयर क्यों कर रहे हो? ये तो तुम्हारा बेबी भी नहीं है। तभी इनो कहता है कि तो क्या हुआ, मैं इस बेबी को डैमेज नहीं करना चाहता, भले ही तुम्हारा बेबी क्यों ना हो, मैं इसको अच्छी तरीके से केयर करना चाहता हूँ। तभी हमारे इनो को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मिस्टर पिटमैन, आखिर आप चाहते क्या हो, आपकी कहने का मतलब क्या है? तभी कीत कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा लोन है। कितना लोन है? एंड ये सारी बात सुनने के बाद इनो फिर से कहता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या और तुम चाहते क्या हो। और सोचने लगता है कि मैं कुछ भी सही बताने वाला नहीं हूँ, मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं क्या कहूँ इससे। तभी हमारा जो कीत होता है वो कहता है कि जो लोन है वो मैं तुम्हारे लिए पे कर दूँगा। तभी इनो गुस्से में कहता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। तभी कीत कहता है कि तुम रिटर्न में मुझसे मैरिज कर लेना ना। ये बात सुनकर इनो तो एकदम शॉक रह जाता है और कहते क्या क्या तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या? तभी ये बात सुनकर कीत कहता है कि नहीं, मैं कभी भी ऐसी चीज़ों से मजाक नहीं करता। तभी हमारा जो इनो होता है वो कहता है कि तुम सडनली मुझसे मैरिज करने के लिए क्यों राज़ी हो गए, मुझे तुम्हारी बात ही नहीं समझ में आ रही है। तभी ये बात सुनते कीत कहता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे चाइल्ड को बड़ा करना चाहता हूँ, क्या तुम अभी तक नहीं समझे? तभी इनो कहता है कि एक मिनट, लेकिन तुम मुझसे मैरिज करना चाहते हो, मेरे चाइल्ड को बड़ा करना चाहते हो, ये तुम्हारा चाइल्ड नहीं है। और एक मिनट, उस ओमेगा का क्या होगा जिसने तुम्हें माफ किया? ये एक एक्सक्यूज़ था उसे दूर होने का। तभी कीत गुस्से में कहता है कि मैं उसे फाइट करूँगा और उसे जान से मार दूँगा। इनो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम मुझसे मैरिज क्यों करना चाहते हो। तभी कीत कहता है क्योंकि कोई भी तुम्हारे इतना सेक्स में अच्छा नहीं, तुम सेक्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। और ये बात सुनकर हमारे इनो को तो सच में गुस्सा आ जाता है और सोचने लगता है क्या ये रीज़न है। एंड तभी गुस्से में कहता है कि मैरिज एक रिस्पेक्ट और लव से ही बनी हुई थी है। तुम अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करते हो, प्यार करते हो, उसे सेक्स वाली तो कोई चीज़ ही नहीं, सेक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। तभी ये बात सुनते ही हमारा जो कीत होता है वो कहता है कि मुझे तो लगा सारी चीज़ें सेम ही है और तुम मेरा माइंड चेंज नहीं कर सकते। ये बात सुनते ही हमारा जो इनो होता है वो कहता है कि देखो, अगर कोई सिर्फ ऐसे कहता है कि मैं तुम्हारा सिर्फ बॉडी को बाय करना चाहता हूँ, तो ये इसमें डिफरेंस क्या है? मैरिज और एक बॉडी बाय करने में क्या फ़र्क है? तुम्हें समझ में आता भी है? तभी ये बात सुनते ही हमारा जो कीत होता है वो कहता है कि ये इतना बुरा भी नहीं है, तुम वैसे अपनी बॉडी को कितने में सेल कर रहे हो, मैं बाय करना चाहता हूँ, ये इतना बुरा आइडिया भी नहीं है। और ये बात सुनते ही हमारे इनो को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है यू फकिंग सन ऑफ बिच, उसे गाली देने लगता है। एंड तभी हमारा जो कीत होता है वो कहता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सुन ली, लेकिन तुम्हारा आंसर क्या है? अब मुझे तुम्हारा आंसर जानना है। अब इनो को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, है ना, सोचने लगता है कि ओ गॉड, मैं इसे कितना भी चिल्ला लूँ, मैं उसे कितनी भी सारी चीज़ें कह लूँ, लेकिन ये सिर्फ मेरा आंसर जानना चाहता है। तभी वो गुस्से में कहता है ठीक है, मैं इसमें इस बारे में सोचना चाहता हूँ। और तभी चार्ल्स वहाँ पर उन सभी को खाना सर्व करता है। और तभी चार्ल्स के जाने के बाद कीत कहता है कि वैसे इस चाइल्ड का फादर कौन है, क्या तुम उससे बात नहीं करना चाहोगे? ये बात सुनते इनो कहता है नहीं, मैं उससे बात नहीं करना चाहूँगा। ये बात सुनते हमारा जो कीत होता है वो कहता है वाओ, ये तो अच्छी बात है, अगर तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में वो नहीं जानता तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात सुनते ही इनो सोचने लगता है कि मैं ऑलरेडी इमेजिन कर चुका हूँ कि तुम मेरे चाइल्ड को बड़ा कर रहे हो, और मुझे समझ में आ रहा है कि तुम किसी दूसरे और के चाइल्ड को बड़ा कर रहे हो, लेकिन असल में तो ये तुम्हारा खुद का चाइल्ड है। तभी इन्होंने कहता है कि देखो, जो इस चाइल्ड का फादर है वो एक परफेक्ट पर्सन है, वो सब कुछ कर सकता है, किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हटता, लेकिन वहाँ पर हम दोनों के बीच प्यार नहीं है। और सोचने लगता है कि मैं इस चाइल्ड के फादर के साथ हैप्पी नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जो हुआ मेरे बच्चे के साथ भी वही हो, मैं अपने बच्चे को जन्म देना चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेबी भी सेम चीज़ फेस करे, लेकिन ये कितना ज़्यादा पेनफुल होगा ना जब मेरे चाइल्ड को सब कुछ पता चलेगा। तभी कीत कहता है कि इस चाइल्ड का फादर कौन है। तभी ये बात सुनते ही हमारा जो इनो होता है वो कहता है कि तुम इस बार क्यों जानना चाहते हो, मैंने कहा ना कि मैं उससे और ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। तभी हमारा जो कीत होता है वो कहता है कि मैं बस क्यूरियस हूँ और कुछ नहीं।
तभी इनो कहता है कि वो एकदम स्वीट एंड काइंड पर्सन है, वो मुझे बेड में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। ये बात सुनते हमारे कीत को गुस्सा आता है और कहता है कि वो किस तरीके का पर्सन है और क्या मैं जान सकता हूँ कि वो क्या कैसे करता है। तभी हमारा इनो कहता है कि वेल, मैं तुम्हें सारी डिटेल्स क्यों दूँ और तुम इतने ज़्यादा दूसरों के इंटीमेट लाइफ में क्यों ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। ऑफकोर्स हमारा जो कीत था वही हमारे इनो को इतने जेंटल तरीके से बेड में ट्रीट करता था, क्योंकि ऑफकोर्स इनो फर्स्ट टाइम हमारे कीत के साथ ही तो इंटीमेट हुआ था। तभी हमारा जो कीत होता है वो कहता है कि आई होप मैं दोबारा उससे ना मिलूँ। तभी ये बात सुनते ही इनो कहता है कि क्यों, क्या हुआ। तभी कीत कहता है कि देखो, अगर तुम्हें डिसाइड करने में डिफ़िकल्ट हो रहा है अभी, तो तुम्हें बाद में भी और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, तुम्हें इतनी सोचने की ज़रूरत क्या है। तभी इनो कहता है कि तुम क्या पेशेंस नहीं रह सकते, मैंने कहा ना कि मुझे सोचने की ज़रूरत है। तभी हमारा कीत कहता है इनो, देखो अपना माइंड सेट कर लो, मुझसे बेहतर तुम्हें कोई भी नहीं मिलेगा, अगर तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो क्या मैं। तभी इनो कहता है तो फिर क्या। कीत कहता है कि वेल, अगर तुम्हें डाउट है तो तुम मुझे टेस्ट कर सकते हो, मैं तुम्हें प्रूफ कर दूंगा कि मैं बेड में तुम्हारे उस एक्स अल्फा से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ, समझे तुम। तभी इनो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, और हाँ, मैंने तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनी और ना ही मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। तभी इनो को जाते हुए देखकर कीत कहता है कि देखो, जो पास्ट मंथ था उसे जाने दो ना, हम आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना। लेकिन हमारा जो इनो था वो ज़्यादा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से दरवाजे को पटकते हुए वहाँ से चला जाता है, और हमारा कीत उसे देखता रह जाता है। और इसी सीन के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टर्न बाय बाय, सी यू सून।